कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले फॉर्मूला देख लो। पहला फॉर्मूला, दो लेंस यूज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर इज ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू, जब इमेज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो ये फॉर्मूला हमने किया था वी नॉट और यू नॉट और वन प्लस डी बाई एफ ई, और या फिर अप्रोक्सीमेशन के साथ हमने किया था वी नॉट की जगह एल और यू नॉट की जगह एफ नॉट। ये भी क्लियर है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो शॉर्टकट क्या करवाया, वन प्लस हटा दो दोनों में से, तो दो फॉर्मूले बन गए व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। चार फॉर्मूलास क्लियर है। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर एंड आईपीस 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि दोनों फोकल लेंथ के बने, ऑब्जेक्टिव की भी गिवन है और आईपीस की भी गिवन है। हैज अ ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ट्यूब का मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना है, एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसमें एल वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो L वाला फॉर्मूला हमने ऊपर किया भी है कुछ, ये वाला फॉर्मूला, तो देखते हैं कौन सा यूज होता है। तो L इसमें 20 है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ आई। देखो इन्फिनिटी नहीं बोला, नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, जो नॉर्मल आई है उसका नियर पॉइंट क्या होता है 25। डिफेक्टिव आई तो है नहीं, उसने बोला नहीं डिफेक्टिव आई, तो नॉर्मल आई, नॉर्मल आई, नॉर्मल लोग पास की नजर में नियर पॉइंट क्या होता है उनका 25। तो डी बाई डिफॉल्ट आपने क्या ले लेना है, 25 गिवन नहीं है पर 25। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की पता है, आईपीस की पता है, लेंथ पता है और डी पता है, क्या निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, तो कुछ करना ही नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर में एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए क्योंकि हमें एल गिवन है, तो एल पता है, एफ नॉट पता है, डी पता है, एफ ई पता है, आंसर 270। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, आपका जो फॉर्मूला है उसमें ये नेगेटिव साइन लगाता है, हाँ लगा लो, नेगेटिव भी लगा लो, आंसर -270। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप भी इमेज सीधी नहीं बनाता, इमेज क्या बनाता है, उल्टी बनाता है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, तो मैग्नीट्यूड 270 है, वैसे उल्टी इमेज बनती है इसमें। क्लियर है यहां तक? तो समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला, देखो जिसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रहा है उसमें तो पक्का ही एल वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। इसको पढ़े,
देखो यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर, तो एफ नॉट पता है, एफ ई पता है, टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, टोटल मैग्निफिकेशन 30 चाहिए, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. आपको क्या निकालना है, एल निकालना है. तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन पता है, आपको डी पता है, नॉर्मल आई है 25 है, एफ सी और एफ नॉट पता है. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें आपको टोटल मैग्निफिकेशन पता है, एल आपको निकालना है, एफ नॉट, एफ सी, डी पता है आंसर. सिंपल, ठीक है यहाँ तक? सर बोलो सर, हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेंगे? आप इसमें नेगेटिव साइन लेंगे तो एल नेगेटिव नहीं आ जाएगा. आप नहीं सर, मैग्नीट्यूड से इससे काम कर पहले लेना, वाले क्वेश्चन ने मैंने किया. आप मैग्नीट्यूड में काम कर लेना सिर्फ. सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं लिया था. हाँ नॉर्मली जो बुक्स हैं वो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में निकालती हैं जो मैंने देखा है. देखो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन जस्टिफाइड है कि उल्टी इमेज बनती है, लेंथ में तो जस्टिफाइड नहीं ना. तो वो देखना पड़ेगा, अगर एल निकालना है तो फिर एल नेगेटिव का क्या करोगे करके, ठीक है ना. तो इसलिए बुक्स के अंदर जो आपने जब डेरिवेशन देखी थी उसके अंदर भी वो मॉड लगा रहा था, याद है एंड में मॉड, तो मैग्नीट्यूड में काम कर रहा है वो. ठीक है ना. या yes, ऐसा कर सकते हो अगर आपने करना है, वेट प्लीज, ऐसा कर सकते हो अगर आपने माइनस लगाना है ना, तो अगर आपने माइनस लगाना है तो लगाओ, फिर मैग्निफिकेशन भी माइनस 30 पुट करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर है? अगर आपने माइनस लगाना है तो फिर ओवरऑल मैग्निफिकेशन में नेगेटिव ही रखना. ठीक है, तो आंसर सेम आ जाएगा. पर ज्यादातर बुक्स मैंने देखी हैं वो लेती नहीं है, वो मैग्नीट्यूड में एल निकाल देती हैं, बात ही खत्म है. ठीक, पर वैसे अगर लगाना है तो लगा लो, माइनस के साथ माइनस लगा देना, आंसर आ जाएगा. इस क्वेश्चन को देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा. देखो द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 and 1 centimeter. तो आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है और ऑब्जेक्टिव गिवन है, एफ नॉट और एफ सी गिवन है, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब 20 है, एल की वैल्यू इसमें 20 है. कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है माइक्रोस्कोप की क्या होगी. अब इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो आप एक बार बताओ मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है. इसमें ना पेज उल्टे लगे हुए हैं, इस पेज के बाद नेक्स्ट पेज नहीं है, उससे नेक्स्ट पेज है, ये वाला पेज है, ये वाला पेज है. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला क्लियर है, मैग्नीफाइंग पावर का ये वाला फॉर्मूला क्लियर है. रादर इसकी जगह बेटर ये रहेगा कि अगर हम एल वाला फॉर्मूला ना लगा लें, लेंथ वाला, क्योंकि इसमें चल लेंथ ऑफ द ट्यूब भी गिवन है. L की वैल्यू कितने की बना है इसमें, चेक करना, 20. हम वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं L वाला, ठीक है. लेकिन अब एक पॉइंट है इसमें, हम L वाला फॉर्मूला लगाएं या हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये पॉइंट है. हम L वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये डिसाइड करना है हमें. अब अगर मुझे यू नॉट पता है और वी नॉट पता है फिर मैं L वाला क्यों लगाऊंगा, फिर मैं ये लगा दूंगा, राइट. पर अगर मुझे L गिवन है तो जरूरी है कि मैं L वाला फॉर्मूला यूज करूं क्योंकि मुझे L गिवन है, ये देखने वाली बात है. देखते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, हमें
चाहिए क्या क्या, इसको कलेक्ट करते हैं। हमें चाहिए एफई, फोकल लेंथ आई पीस की स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन गिवन 5 गिवन है। आपको डी चाहिए, टी स्ट्रेट अवे नॉर्मल आई का कितना गिवन है, 25 गिवन है। आपको दो वैल्यूज तो स्ट्रेट अवे गिवन ही है। अब आपको क्या चाहिए, वी नॉट और यू नॉट चाहिए, ठीक है। वी नॉट यू नॉट आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। अब वी नॉट और यू नॉट का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है ये। चलो ऑब्जेक्टिव लेंस पे चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये मैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे गया, तो डायग्राम मेरा ऐसा बनता था इन्फिनिटी वाला। इस डायग्राम में लेंथ कितनी है, इसमें एल है। इस डायग्राम में लेंथ दो लेंस के बीच में एल है। आपको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये यू नॉट है, ये यू नॉट है, और ये जो है ये वी नॉट है, ये वी नॉट है, यू नॉट है, वी नॉट है, ठीक है। और क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये एफ ई है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एल की वैल्यू वी नॉट प्लस एफ ई है। इस केस में एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है वी नॉट प्लस एफ ई। कोई डाउट इसमें, राइट। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, वी नॉट की, कितनी, एल माइनस एफ ई। अब मेरे को एल पता है, मेरे को एफ ई पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, वी नॉट। तो ये देखो, ये चेक करो, पहले मैंने क्या निकाल दिया, वी नॉट निकाल दिया, वी नॉट आ गया। अब अगर वी नॉट आ गया है ना, अगर वी नॉट आ गया, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन में गिवन है 1, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, यू नॉट, यू नॉट। अब मेरे पास वी नॉट और यू नॉट आ गया तो मैं एल वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं। तो पहला प्रेफरेंस मेरा यही है फॉर्मूले का, तो कोशिश करो एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ, आप फॉर्मूला वी नॉट यू नॉट का लगाओ। और अगर आपको क्वेश्चन में यू नॉट नहीं गिवन या वी नॉट नहीं गिवन, फिर आप एल वाला फॉर्मूला लगाओ। अब ये आपको डिसाइड करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि आप किसी तरीके से पहले यू नॉट वी नॉट निकाल लें और अपने आंसर को सॉल्व कर लें। वैसे फॉर्मूला एल बाई एफ नॉट का भी होता है, एल बाई एफ नॉट का फिर वो अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है, वो अंदाजे से है। क्वेश्चन में गिवन है, एल भी गिवन है, एफ नॉट भी गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने क्या बोला, पहली प्रेफरेंस आपकी वी नॉट यू नॉट की ही रहेगी। अगर उसमें से कोई चीज नहीं निकलती, फिर आप कोशिश करें कि आप एल और एफ नॉट लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं, ठीक है। तो आप वी नॉट यू नॉट से एक्यूरेट फॉर्मूला आएगा। एल तो अप्रोक्सीमेट है, एल तो अंदाजे से ही है ना, वो तो अप्रोक्सीमेशन पुट की थी हमने। हमें कैसे पता लगेगा, बात क्लियर में क्या नहीं क्लियर हुई। मैंने आपको एक सिंपल ये बताया कि मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, पहला वी नॉट यू नॉट वाला फॉर्मूला और दूसरा एल और एफ नॉट वाला फॉर्मूला। आपका मन करेगा कि आप एल पता है एफ नॉट पता है आंसर निकाल दें, सही है। पर मैं ये कह रहा हूं एल और एफ नॉट वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली था, असली फॉर्मूला तो वी नॉट यू नॉट का ही था ना। तो अगर आप वी नॉट यू नॉट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल, तो ये फॉर्मूला प्रेफर करें। तो आप पहले वी नॉट निकाल लें, वी नॉट एफ नॉट से लेंस फॉर्मूला लगा के यू नॉट निकाल लें, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर करें, ये कह रहा हूं। हाँ, आप ये पूछें हमें कैसे पता लगेगा कि ये लगाना है कि वो लगाना है, तो उसके लिए असाइनमेंट दूंगा ना, आप करके देखना अपनी प्रैक्टिस और क्या करोगे, ठीक है। पर प्रेफरेंस मैंने देखा है कि यही रहती है वी नॉट और यू नॉट की, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कह नहीं सकते, वो तो फिर करके देखना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक सर। हाँ जी सर, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर तो थोड़ा पास होना चाहिए ना। थोड़ा पास होना चाहिए, होना सर, तो चाहिए। उसका तो 100 आ रहा है ना। हाँ तो होना चाहिए। तो ये माइक्रोस्कोप्स हैं भाई, माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का इतना सा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखेगा आपको, इतना सा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा दिखेगा, तो उसमें कौन सा 1.5 की 1.7 कह रहे हैं, तो वो तो जबरदस्त अप्रोक्सीमेशन लगाई है, वो कोई छोटी अप्रोक्सीमेशन थोड़ी ना। वो जो अप्रोक्सीमेशन है, यू नॉट को एफ नॉट पुट कर रहे हो और वी नॉट को सीधा लेंस एल के इक्वल पुट कर रहे हो, एल पे बनता भी कहाँ है। अब वो तो यार एक लास्ट रिजॉर्ट है कि जब कुछ नहीं बन रहा, तो तभी तो बोल रहा हूँ कि यही फॉर्मूला प्रेफर करो, वो मत करो। तभी तो मैं मना कर रहा हूँ कि अगर बिल्कुल ही कोई केस है कि जिसमें स्टेट वे वैल्यूज ही की वजह से ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें तो एल स्टेट पे गिवन था, यू नॉट स्टेट पे गिवन था, उसमें तो पुट कर ही लिया, बात ही खत्म हो गई, एल पूछा एल निकाल दिया। पर जब निकाल सकते हो वी नॉट यू नॉट, तो वी नॉट यू नॉट निकालो, उसमें मत निकालो, आपका आंसर में वेरिएशन ज्यादा आ जाएगा। मैं भी तो ये कह रहा हूँ वेरिएशन ज्यादा आएगा।
अगर वेरिएशन ज्यादा ना आता मैं ना बोलते था एल वाला फॉर्मुला यूज कर लो, अगर 70 की जगह 71 आता या 72 आता फिर तो मैं ही बोलता यार एल वाला यूज कर लो, इतना करने की जरूरत क्या है। तो ये तो बुक्स का एक्सपीरियंस है जो मैं लिख के लाया हूँ कि ये इस तरीके से सॉल्व की जाती हैं चीज़ें ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए। अब जैसे ये देख लो, टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होती है? एम, और एम क्या होता है? एम नॉट इंटू एम ई। वाइल दैट प्रोड्यूस बाय आई पीस अलोन इज 5। तो आई पीस की मैग्नीफिकेशन अलग गिवन है, एम अलग गिवन है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट वे हो गया, एम इज एम नॉट इंटू एम ई। तो यहां से एम ई पता है, एम पता है, यहां से एम नॉट तो निकाल ही लोगे, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 14। ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंथ गिवन है एल, एल कितना गिवन है? 14। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, आपको निकालना है फोकल लेंथ एफ ओ और एफ ई दोनों निकालने हैं। इफ लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 की जगह 20 है। अब देखो ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी चीजें इकट्ठी कर दी उसने। मैं यही बता रहा था ये प्रैक्टिस है कि आप इतनी सारी चीजों को इकट्ठा कैसे करोगे। हाँ, दो लाइनों से ये तो समझ में आ रहा है, एम नॉट की वैल्यू आ गई, बात खत्म। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको एफ ई भी निकालना है, आपको एफ नॉट भी निकालना है। तो हाँ, एक अच्छी बात यह है, आपको एम नॉट अलग पता है, एम ई अलग पता है। तो आप एक काम करो, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव है, एक आईपीस है, आपको मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव की अलग पता है, आईपीस अलग पता है, आप दोनों को अलग अलग लो। जब हमने डेरिवेशन भी की थी, आईपीस को आप सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव भूल जाओ, सिर्फ आईपीस लो। आईपीस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है, हमने डेरिवेशन के अंदर भी ये फॉर्मूला यूज भी किया था। तो इसमें मैग्निफिकेशन पुट करके डी को 20 पुट करके एक आंसर आ गया, एफ ई आ गया, बात खत्म। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कि आप टोटल ए की फॉर्मूले में एफ नॉट एफ ई निकाल लें, वो तो निकल नहीं सकता, आप दोनों लेंस को अलग ले लें, आप आई पीस को अलग ले लें, ऑब्जेक्टिव के केस को अलग सॉल्व कर दें। तो आई पीस की मैग्निफिकेशन गिवन है, आपने यूज कर लिया आंसर, अब आप यूज करें किसका? ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के केस में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव के केस में जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्टिव में मैग्निफिकेशन है v नॉट बाई यू नॉट, या तो v नॉट बाई यू नॉट या l बाई एफ नॉट, वही अप्रोक्सीमेशन वाला काम, ये l है और ये f नॉट है, राइट। इस क्वेश्चन में ये कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, आप सिंपली ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन -4 पता है आपको, उल्टी इमेज बनती है, और माइनस इसलिए यूज कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां मैंने माइनस यूज किया, अगर मैं मैग्नीट्यूड यूज करता फिर मैं प्लस यूज कर लेता, बात खत्म। लेंथ आपको 14 गिवन है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ नॉट आ गया। ये स्टेप करने की जरूरत है नहीं आपको, ये अननेसेसरी किया हुआ है सारा, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आपने क्या किया, बेसिकली अलग अलग यूज कर लिया। अब आप एक चीज बताओ, आपने ये फॉर्मूला यूज करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दिया, और मैंने आपको क्या कहा था कि वी नॉट बाई यू नॉट की प्रेफरेंस कर लो, मैंने कहा था। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, अब मुझे क्या चाहिए? वी नॉट भी चाहिए और यू नॉट भी चाहिए, राइट। वी नॉट यू नॉट करने के लिए अब मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, वी नॉट तो मैं फिर भी निकाल लूंगा, मैं यू नॉट मुझे पता ही नहीं क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा वो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और ना तो मुझे फोकल लेंथ गिवन है एफ नॉट, ना मुझे यू नॉट गिवन है, तो यानी कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ये ऑप्शन है, फिर मैंने ये यूज कर दिया। या तो मेरे को यू नॉट पता हो और वी नॉट पता हो, फिर तो मैं आंसर निकाल दूं, जब मुझे पता ही नहीं यू नॉट क्या है तो फिर मैं आंसर निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अल्टीमेटली पहले मैंने करके देखा, ये जो स्टेप्स है ना, इस स्टेप्स में मैंने आई पीस की मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से यू ई निकाला, फिर लेंस एल इज इक्वल टू यू ई और वी नॉट से मैंने वी नॉट निकाला, फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को यू नॉट फिर नहीं पता था, जब मेरे को यू नॉट नहीं पता तो अल्टीमेटली मैंने यही फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक?